और ये दोनों भी हैं। बाद हम मिल रहे हैं, अहमद को याद भी नहीं था। मैं गुलाम कासिम और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। अपने इस व्लॉग में आपको वेलकम करता हूँ। अच्छा, मैं अभी बिल्कुल स्कूल से आया हूँ। हमारा आज सुबह ही प्लान बना था और क्विक सी जो है वो आज हमने इफ्तारी का प्लान बनाया। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और एक साल बाद तकरीबन दोस्तों से मुलाकात हो रही है। तो सुबह ही हमारा आज प्लान बना है और अब क्या कुछ होगा आज इंशाल्लाह दोबारा से जो है वो थोड़ा सा फ़न होगा, शुक्र होगा, मज़ा आएगा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा सारा कुछ। और हम एक साल बाद मिल रहे हैं और एक साल बाद क्या रिएक्शन होता है मिलने का ये भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि आउट ऑफ सिटी होते हैं जो दो दोस्त हैं मेरे, वो जॉब करते हैं तो वो आ रहे हैं और उन्होंने फिर चले भी जाने, इसलिए बड़े शॉर्ट नोटिस में हमने जो है वो आज सुबह ही प्लान किया और अभी हम इफ्तारी कर रहे हैं। तो मैं अभी आया हूँ स्कूल से और अभी टाइम भी तकरीबन होने वाला है, तो अभी देखते हैं, उनका वेट करें, अभी तक आए तो नहीं है वो, तो आपको फिर दिखाते हैं क्या होता है। आपने हमारे साथ रहना है। अच्छा, वीडियो पसंद है आपने लाइक करना है ज़रूर, कमेंट करके बताना है आपको ये रमज़ान सीरीज़ पूरी कैसी लग रही है मेरी शुरू से, ठीक है। उसके अलावा आपने आराम से सुकून से जो है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके साइड पर हो जाना है ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। लें जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रमज़ान का हिस्सा है। इसे जो है वो बहूर कहते हैं वैसे, और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू होती है, जब भी इसकी खुशबू मैं सुनता हूँ बिल्कुल अपने पुराने टाइम पे चला जाता हूँ मैं। सऊदीया वाला जो रमज़ान था मेरा, जो सऊदीया में मैंने टाइम गुजारा, रमज़ान गुजारा, वहाँ मस्जिद में ये लगाते थे, इतनी ज़बरदस्त खुशबू होती थी इसकी, पूरी फैली होती थी। और यहाँ पर भी अब हमने यहाँ पर एक कॉर्नर पर लगाया घर के और ये ज़बरदस्त खुशबू फैल गई पूरे घर में, और ये बहुत अच्छा जो है वो एक फीलिंग्स वाइब्स देती है रमज़ान की। ठीक है जी, तो ये आज की इफ्तारी है। आज कम दोस्त थे तो इसलिए आज कम ही बनी, आज इतना ज़्यादा बड़ा सुफरा नहीं है जैसे उस दिन था। तो ये सब आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की अता किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान में इसी तरह से जो है वो रौनके रखे, आमीन। अभी तक नहीं आया, चले वेट करते हैं थोड़ा सा और, 6 बज गए पूरे। ये जी आज पहला दोस्त आया हमारा, इतना बड़ा गेट कर लिया, एक साल बाद अहमद, हाँ तकरीबन। जी अहमद है, पूरे एक साल बाद हम मिल रहे हैं और अहमद को याद भी नहीं था, और अहमद को ये भी नहीं याद था कि ये मैंने गेट बड़ा कर लिया। क्या दी याद था भाई। और ये दोनों भी हैं, एक अदद दो अदद, एक ये टोपी वाले भाई है, इनकी टोपी पे आपने बिल्कुल नहीं जाना, आपको लग रहा होगा ये अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, लेकिन नहीं है। हम आ गए, टोपी से पहनी हुई है लेकिन हमने इसकी टोपी बिल्कुल नहीं जाना, होते ही अंदर से। क्या हाल है? तकरीबन हम एक साल बाद मिल रहे हैं। नहीं नहीं यार, अभी मिले थे यार, ये बूढ़े हो गए यार, इनकी दाढ़ी देखो निकल आई है। टोपी शोपी पहनी है, जाने चक्कर तो नहीं। क्या देख तुझे नहीं आना कैमरे में, सिक्की आएगा वो शर्म आ रही है उसे, छमिया खा रहा है। सिक्की आप बैठ जा बस, आज कोई काम नहीं है तो टेंशन ना ले। क्यों है कोई काम? इससे पहले क्या था काम? नहीं, मैं कह रहा मेरे लिए कोई काम। अच्छा, देख लिया इसका घर? का सिरप तो इस वजह से थोड़ा सा ना उसको भी अच्छी हो रही है। हाँ, कोई किसी ने ये नहीं समझना कि वो बेचारा जो है वो होता है ना अक्सर इफ्तारी के बाद जो करते हैं पीते हैं वो है। ले जी फिर चाय शाय पिए, चाय का तो नहीं आपको दिखा सके लेकिन ये दोस्त लाया था केक, तो ये फिर साथ में सर्व किया था और ये बहुत ही मज़े का, लेयर्स बेकरी का तो वन ऑफ द बेस्ट बेकरी बन गई, अब तो मेरी फेवरेट बन गई हुई है। इतने मज़े के इनके केक्स भी होते हैं, ये पैटीज़ वगैरह भी बहुत मज़े की थी, तो इसको फिर तोड़ा मतलब खाया, इंजॉय किया और फिर देखें आगे। अच्छा जी, तो एक चीज़ मुझे याद आई, हमने इफ्तारी जो डिस्ट्रीब्यूट की थी वो मैं आपको बताना भूल गया था, तो वो उसके आप क्लिप्स देख लें। आज जो है वो पराठा
रोल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो वो सारा उसमें जो है वो मैंने दिखाया कि किस तरह उसमें क्या कुछ हमने जो है वो डाला है पराठे रोल में और किस तरह से उसको बनाया है, तैयारी कैसे हुई है उसकी, हर चीज़ उसमें दिखाई हुई है, तो वो आप ज़रा देखें। ले जी, तो ये पराठे रोल का जो मिक्सचर है ये तैयार कर लिया है, आलू कीमा और फ्राइज़ हैं, फिर शिमला मिर्च वगैरह, टमाटर, ये सारा जो है बेहतरीन करके तैयार किया था। इसका बहुत मज़े का टेस्ट बन गया था जब ये मिक्स किया था, सारा केचप वगैरह भी अंदर डाला था। और फिर ये अंडे भी यहाँ पर बॉयल हो रहे हैं, तो इसको भी साथ में मिक्स करेंगे। इन दोनों चीज़ों को जो है वो मिक्स करके तो हम बनाएंगे एक प्रॉपर जो है वो मसाला टाइप। अच्छा, इसमें आप लोग ज़रूरी नहीं है सेम ही, आप लोगों ने भी अगर करना है तो आप लोग कुछ और भी इसमें कर सकते हैं, चिकन भी डाल सकते हैं इसमें या अंडा ना भी डालें, लेकिन ये कुछ इस तरह से फिर जो है वो शेप निकलेगी बहुत ही बेहतरीन अंडे को अगर मिक्स कर दें हम साथ। तो ये बड़ा मज़े का बना था और एक प्रॉपर मील बन गया, और ये पराठे भी तैयार हो रहे हैं जी एक तरफ। ये पराठे जो है ये तैयार हो रहे हैं, ये देखें ये जो है कितने ज़्यादा माशाल्लाह से कर लिए हैं। अब इसमें जो है वो फिलिंग करनी है, जो मैंने आपको दिखाई थी वो इंशाल्लाह फिल करके इसको रेडी करके तो फिर हमने जाना है डिस्ट्रीब्यूट करने। अब ये देखें ये पेस्ट तैयार हो गया बेहतरीन, इसमें मायोनीज, केचप, हॉट सॉस सारा कुछ मिक्स है, इसने इस तरह की ज़बरदस्त लुक दी है। अब इसको जो है वो हम पराठे में मिक्स करके तो रोल अपना रेडी कर लेंगे। ले जी, ये तैयार हो रहे हैं साथ साथ, और इसमें जो है वो फिलिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ वो अपने पैकेजेस भी बनाते जा रहे हैं। तो असल में साथ ही सारे मिल के काम कर रहे होते हैं आपस में, क्योंकि टाइम इस टाइम बहुत शॉर्ट होता है तो सब मिल कर करते हैं, तो ही जाकर ये पूरा कर पाते हैं हम बिल्कुल एंड टाइम तक। और अपनी इफ्तारी फिर जो है ना अजान अक्सर हो जाती है तब जाके तैयार होती है, लेकिन कोई बात नहीं, यही महीना है, हमने तो खाते ही रहना है पूरे महीने इंशाल्लाह। तो ये सारे पार्सल्स तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम जाते हैं जल्दी से इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं, टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया, मिलते हैं आपसे वापस आके। एक तो जो आज दोस्तों के साथ बहुत अच्छी इफ्तारी भी हुई, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट जो करके है बहुत जल्दी से ये सारे काम हुए हैं, शुक्र है कि अम्मी और आपी ने, सिस्टर ने जो है वो पहले से तैयार किया हुआ था सारा कुछ, तो उनकी बड़ी मेहरबानी होती है कि मेरे स्कूल के आने तक सारा कुछ तैयार होता है और मैंने बस जाना होता है डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और बाकी इफ्तारी भी सारी तैयार कर दी थी इन्होंने, तो बड़ा मज़ा आया इंतहाई। उम्मीद है आप लोग को भी मज़ा आया होगा, और काफ़ी रौनक लगी होती है जब चले जाते हैं तो फिर बिल्कुल जो है वो सुनसान सा हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह हर दिन इसी तरह से जो है कुछ ना कुछ सिस्टम चलता जाएगा, कुछ ना कुछ जो भी मतलब होता जाएगा इवेंट वो आप तक भी शेयर होगा। तो आप लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है आपको, रमज़ान सीरीज़ कैसे जा रही है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ आपको, और लाइक करते जाएँ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।